Hi students, this is KD sir from Shivam Education. Today we are going to continue with chapter number 1, 12th standard statistics, index number, right? In the previous video, we have done introduction and also the basic concepts of index number, right? So let us start exercise 1.1. Question number 1. The data about average daily wage of a group of workers employed in a factory in a city during the year 2008 to 2015 are as follows. Find the index number by fixed base method, taking the base year as 2008, chain base method, and the third one is fixed base method by taking average of average daily wages of the year 2011 to 2013 as the wage for the base year. Right? So students, the data is given, year diya hua hai. राइट एवरेज डेली वेज दिया है और हमको तीन मेथड में फाइंड आउट करना है. राइट, सो आई विल डू दी बेसिक थिंग्स. कैलकुलेशन के लिए अगर मैं करते रहूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा. राइट, तो कैलकुलेशन आप साथ में कर सकते हो वीडियो के साथ साथ. राइट, और बाकी जो है आप जो मेथड है जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. इंडेक्स नंबर विद द बेस ईयर 2008, तो 2008 हमारा क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा. राइट, और एवरेज फॉर्मूला क्या है, एवरेज डेली वेज ऑफ द करंट ईयर अपॉन द फिक्स बेस ईयर, जो हमने फिक्स किया है बेस ईयर फिक्स किया है वो वाला आएगा. राइट, तो पहले साल में जो है वो 275 है, तो हम लोग वही 275 लेंगे. तो पहला ईयर हमेशा क्या लेंगे हम, 275 अपॉन 275 इंटू 100, तो दैट विल गिव 100. ओके, ये फिक्स है. राइट, वैसे आप देखिए नेक्स्ट 284 अपॉन 275, ये फिक्स. राइट, इसका इनटू 100, इसका कैलकुलेशन करो. फिर उसके बाद 289 अपॉन 275 इनटू 100. राइट, फिर उसके बाद 293 अपॉन 275 इनटू 100, 297 अपॉन 275 इंटू 100, और 313 अपॉन 275 इंटू 100, दैट इज, और 328 अपॉन 275 इंटू 100 इज इक्वल टू, एंड लास्ट वन 345 अपॉन 275 इंटू 100. राइट, ये सारे का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. राइट, लेट्स स्टार्ट. इसका कैलकुलेशन है 103.27, 105.09, 106.55, 108, ओके, और 113.82, 119.27 और 125.45. दिस इज फॉर फिक्स बेस मेथड. नाउ चेन बेस मेथड. चेन बेस में क्या होगा, सेम होगा फॉर्मूला, लेकिन इसमें क्या लेंगे हम लोग, प्रीसीडिंग ईयर. राइट, तो प्रीसीडिंग ईयर लेंगे, दैट इज, लेट अस सी. सेकेंड वाला देखिए, 284 अपॉन प्रीसीडिंग ईयर क्या आएगा, 275 इंटू 100. राइट, 289 का प्रीसीडिंग ईयर क्या है, 289 अपॉन 284 इंटू 100, दिस इज चेन बेस मेथड. 293 का 293 अपॉन 289 इंटू 100. राइट, 297 का 297 अपॉन 293 इंटू 100. राइट, और फिर 313 का 313 अपॉन 297 इंटू 100. फिर उसके बाद 328 का 328 का 313 इंटू 100. राइट, और फिर 345 का 345 अपॉन 328 इंटू 100. राइट, नाउ लेट्स डू दी कैलकुलेशन. यहां पे जब भी चेन बेस मेथड में 100 ही लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है, प्रीसीडिंग ईयर जो है, हम 275 लेंगे. यहाँ पे मैं आपको ये बोलना भूल गया, यहाँ पे क्या आएगा, 275 फॉर फिक्स बेस, तो 275 आएगा, तो इसलिए वो भी 100 आएगा. ओके, तो ये दोनों में 100 पहला वाला आएगा. सेकंड ईयर में देखिए, 284 अपॉन 275, 103.27, 289.101, 101.38, 101.37, 105.39, 104.79, 105.18. राइट,
तो आप कैलकुलेशन साथ में करते आना। अब हम करते हैं इंडेक्स नंबर टेकिंग एवरेज वेज ऑफ 211 टू 213, 211 टू 230, ये तीन का हमको प्लस करना है, 293, 297 और 313, राइट। इसका टोटल कितना आता है और उसको 3 से डिवाइड करना है, तो हमको आता है 301। जो फिक्स बेस में किया था 2008 वाला, उस जगह पे हम लोग का हर एक में 301 डालेंगे, राइट। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, 275 अपॉन 301 इंटू 100 इज इक्वल टू, राइट, 284 अपॉन 301 इंटू 100 इज इक्वल टू। नाउ थर्ड वाला क्या आएगा, 289 अपॉन 301 इंटू 100 इज इक्वल टू। नेक्स्ट 293 अपॉन 301 इंटू 100 इज इक्वल टू। 297 अपॉन 301 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू। 313 अपॉन 301 इंटू 100 इज इक्वल टू। 328 अपॉन 301 इंटू 100 इज इक्वल टू। 345 अपॉन 301 इंटू 100 इज इक्वल टू, राइट। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका कैलकुलेशन 91.36, 94.35, 96.01, 97.34, 98.67, 103.99, 108.97 और 114.62, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन। 303 मेथड आ गया है, फिक्स बेस, चेन बेस एंड एवरेज बेस मेथड, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द रिटेल प्राइस ऑफ सुगर इन ए सिटी, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस ऑफ सुगर बाय 1. Fixed base method with the year 2008 as base year. Chain base method taking the average price rise of the sugar for the year 2009 and 10 as the base year price. Okay. The data of year and price of the sugar are given. We have to start calculating index base, index number with the base year 2008. Chain base number with the प्रीसीडिंग ईयर वाला फॉर्मूला से और फिर एवरेज वाला 2009 एंड 10 का लेके, राइट, दैट इज 28.50 और 29.50 का अगर 2 से डिवाइड करें तो मिलेगा 29, ओके, राइट। तो पहला वाला जैसे मैंने बताया था 28 के अपॉन 28 ही आएगा इनटू 100, ये तो 100 फिक्स है, राइट, ये वाला फिक्स है, लेकिन बाकी सब में क्या आएगा, 28.50 अपॉन 28 इंटू 100, राइट। इसका कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो, 29.50 28 इंटू 100, 30 अपॉन 28 इंटू 100, 31 अपॉन 28 इंटू 100, 32 अपॉन 28 इंटू 100, राइट, 34 अपॉन 28 इंटू 100 और 36 अपॉन 28 इंटू 100, राइट। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, चलो 28.50 अपॉन 28 इंटू 100 का क्या आएगा, 101.71, सेकेंड वाले का 109.105.36, 107.14, 110.71, 114.29, 121.43 और 128.57, राइट। नाउ चेन बेस मेथड देखते हैं, चेन बेस में क्या आएगा, करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर। जैसे मैंने बोला फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा क्या लेने का, 28 अपॉन 28 ही लेना है, तो ये आएगा वापस 100, राइट। लेकिन यहाँ से अभी आपका चेंज हो जाएगा, 28 अपॉन 50 इंटू 28 इंटू 100, दैट इज ये, फिर 29.50 अपॉन 28.50 इंटू 100, राइट, फिर उसके बाद 30 अपॉन 29.50 इंटू 100, फिर उसके बाद 31 अपॉन 30 इंटू 100, दैट इज दिस ना, 32 अपॉन 31 इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ का न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर बन जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर उसके बाद 34 अपॉन 32 इंटू 100, राइट, फिर उसके बाद 36 अपॉन 34 इंटू 100, ओके, राइट। नाउ लेट्स डू दी कैलकुलेशन। सो स्टूडेंट्स, इसका कैलकुलेशन पहले साल का तो 100 ही आएगा, 28.50 अपॉन 20 दैट इज प्रीसीडिंग ईयर, 101.79, 103.51,
101.69, 103.33, 103.23, 106.25 और 105.88. ओके, अब आगे जाते हैं। ये 29 हमारा फिक्स बेस जैसा हो गया क्योंकि हमने इसका एवरेज निकाल दिया और दिस विल बिकम द फिक्स। तो चलो 28 अपॉन 29 इनटू 100, सब में ये लगाना है। 28.50 अपॉन 29 इनटू 100, राइट। फिर उसके बाद 29.50 इनटू अपॉन 29 इनटू 100, फिर उसके बाद 30 अपॉन 29 इनटू 100, फिर उसके बाद 31 अपॉन 29 इनटू 100, फिर उसके बाद 32 अपॉन 29 इनटू 100, फिर उसके बाद 34 अपॉन 29 इनटू 100, फिर उसके बाद 36 अपॉन 29 इनटू 100, राइट। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, राइट, लेट्स डू। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट कैलकुलेशन 96.55, 98.28, 101.72, 103.45, 106.90, 110.34, 117.24, 124.14, राइट। ओके, तो हमारा ये सेकंड सम हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड अबाउट द एनुअल एवरेज प्राइसेस ऑफ व्हीट, राइस एंड शुगर in the wholesale market of a city. Find the general index number of three items by fixed base method with the base year 2011 and by chain base method. Okay, so students, here we will find fixed base method separately and chain base method separately, right? Fixed based index number हम पहले start करते हैं, right? तो ये जो डेटा है मैंने यहाँ लिखा हुआ है अलग, और उसके नीचे हमको कैलकुलेशन करना है फिक्स बेस। फर्स्ट ईयर का सेम टू सेम आएगा, यू कैन राइट 100 100 और ये 100, क्यों 18 अपॉन 18 इंटू 100 वही आएगा, राइट। आप देख लीजिए, राइट, 30 अपॉन 30 इंटू 100, फिर ये आएगा 30 अपॉन 30 इंटू 100, ओके। यहाँ क्या आएगा 18.50, क्योंकि हमने 2011 को लेना है, तो ये 18 इंटू 100, ओके। यहाँ पे देखे तो 36 अपॉन 30 इंटू 100 और यहाँ 31 अपॉन 30 इंटू 100, ओके। यहाँ पे वापस 18.90 अपॉन 18 इंटू 100 और यहाँ पे 38 अपॉन 30 इंटू 100, 32 अपॉन 30 इंटू 100, ओके। यहाँ पे वापस 19 अपॉन 18 इंटू 100 वही का वही रहेगा, 38 अपॉन 30 इंटू 100 क्योंकि बेस ईयर है, और यहाँ पे 34 अपॉन 30 इंटू 100, ओके, राइट। फिर यहाँ पे 19.50 अपॉन 18 इंटू 100 और 39 अपॉन 30 इंटू 100, 36 अपॉन 30 इंटू 100, और इसका जो आता है टोटल उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा जनरल इंडेक्स नंबर, ओके। लेट्स डू द कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, ये कैलकुलेशन है 102.78, 120 और 133.33, ये तीनों को टोटल करना है यहाँ पे और उसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे टोटल क्या आएगा 300, क्योंकि तीनों का 100 100 है, और ये 105, 126.7, 106.67, इसको अगर टोटल करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा जनरल इंडेक्स नंबर, और इसी तरह ये दोनों को करना है, ओके। आई होप आप लोग का कैलकुलेशन मैच हो रहा है, आप साथ में ही करना सो देट आपका भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, ओके। लेट्स डू दी चेन बेस नंबर, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी फॉर दी चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड का फॉर्मूला रहेगा करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीसीडिंग ईयर प्राइस इनटू 100, राइट। डेटा देखिए मैंने यहाँ लिखा है ऊपर, और नीचे कैलकुलेशन करते हैं। अब पहला वाला जो है, राइट, फर्स्ट ईयर का क्या होगा, हमेशा फर्स्ट ईयर का प्रीसीडिंग ईयर नहीं होता है, तो वही का वही आएगा, दैट इज 18 अपॉन 18 इंटू 100, दैट इज ये 100 आया, 30 अपॉन 30 इंटू 100 ये 100 आया। आप डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं, राइट, यहाँ पे भी 30 अपॉन 30 इंटू 100, दैट इज 100, राइट। अब यहाँ देखिए
18.50 अपॉन 18 उसका प्रीसीडिंग ईयर है, दैट इज 100, इसका कैलकुलेशन करना है राइट। चलो ये वाला फिनिश कर देते हैं, 18.50 अपॉन 18.50 इंटू 100, यहाँ पे 19 अपॉन 18.50 इंटू 100 राइट, और यहाँ 19.50 अपॉन 19 इंटू 100। चलो यहाँ देखो तो 36 अपॉन 30 इंटू 100, 38 अपॉन 36 इंटू 100, फिर 38 अपॉन 38 इंटू 100, और ये 39 अपॉन 38 इंटू 100 राइट। ओके अब ये लास्ट वाला देखिए, 31 अपॉन 30 इंटू 100, 32 अपॉन 31 इंटू 100, और 34 अपॉन 32 इंटू 100, और 36 अपॉन 34 इंटू 100 राइट। और इसका कैलकुलेशन करके इसका टोटल करते हैं राइट, लेट्स डू द कैलकुलेशन। ओके नाउ इसका हम लोग एवरेज निकाल देते हैं, इक्वल टू इसका आएगा 100, 326.11 का 3 से डिवाइड करो राइट, 310.95 को 3 से डिवाइड कर दो, और 306.78 का 3 से डिवाइड करो, और 311.4 को 3 से डिवाइड कर दो राइट। क्या मिलता है देखिए, तो अभी ये डिवाइड किया तो इसका तो 100 ही आएगा, इसका आया था 108.70, 103.65, 102.26 और ये 103.71। ओके आई होप ये सम खत्म हो गया है राइट और आपको समझ पड़ा है। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइसेस ऑफ फाइव फ्यूल रिलेटेड आइटम्स इन द ईयर 2012 एंड 2014 आर एज फॉलोस। कैलकुलेट द जनरल इंडेक्स नंबर फॉर फाइव फ्यूल आइटम्स बाय टेकिंग द ईयर 2012 एज द बेस ईयर एंड स्टेट द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द फ्यूअल आइटम्स राइट। सो हमको क्या करना है, हमको खाली ये P1 अपॉन P0 फाइंड करना है और इसका टोटल करके जनरल इंडेक्स नंबर क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 5, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा जनरल इंडेक्स नंबर राइट। लेट अस सी, फर्स्ट 3.50 अपॉन 3 डिवाइड, 370 अपॉन 345 को डिवाइड करो, 1.50 अपॉन 1, फिर 20 अपॉन 15, और यहां पे आएगा 15 अपॉन 12 राइट। लेट्स सी इसका कैलकुलेशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप देखिए इसका कैलकुलेशन 1.1667, 1.0725, 1.5000, 1.333 और ये 1.2500, और इसका अगर हम लोग टोटल करते हैं तो 6.3225। नाउ हमको क्या फाइंड करना है, जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100 राइट। तो ये क्या करना है, 6.3225 अपॉन कितने आइटम्स है 5 इंटू 100 राइट। लेट अस कैलकुलेट नाउ 126.45। सो नाउ 106.45 राइट। अब ये इसका राइस क्या है, ओवरऑल राइस क्या हो गया, ओवरऑल राइस मतलब इन फ्यूअल इज इक्वल टू 126.45 माइनस 100, क्या आएगा 26.45%। दिस इज योर आंसर। ओके आई होप यू अंडरस्टूड, रिलेटिव प्राइस ढूंढना है, फिर उसके बाद हमको जनरल इंडेक्स नंबर के लिए खाली इसका सिग्मा करना है राइट, मतलब एवरेज निकालना है। ओके चलो लेट्स डू। सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 1.1, आई होप यू अंडरस्टूड, प्रैक्टिस करो राइट। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए सो दैट हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन के साथ। ओके सो कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।